गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि आप मेंस का पजल सॉल्व करो, मेंस का पजल सॉल्व करो, एसेट्रा एसेट्रा। ठीक है, तो अब लाइव मेंस का पूरा मॉक देना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लाइव वैसे देना कोई दिक्कत नहीं, बट शीट को दिखाना बहुत ही दिक्कत हो जाता है। उसमें से क्या होता है ना कि आपको कैसे मैं समझाऊं या क्या करूं, वो बहुत दिक्कत। या तो आपको समझा पाऊंगा या तो मैं मॉक कर पाऊंगा। ठीक है, और मैं करूंगा तो अपनी स्पीड में करूंगा, आपको समझाने का मेरे को बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको एक्सप्लेन करूं कि किस तरीके से मॉक्स का मतलब मेन्स में रीजनिंग का पजल्स करते हैं, कैसे आप उसको ईजी तरीके में बिना अटके चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यही सेक्शनल का जो मैंने ये दिया हुआ है बहुत सारे ना, तो मैं इसमें से आपको कोई पजल जो एक ठीक लेवल का हो, जो एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है, उस तरीके का पजल करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये ऑलिव बोर्ड का है, ये ऑलिव बोर्ड का सेक्शनल्स है। आपको ऑलिव बोर्ड के सेक्शनल्स में ना यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे ना यहाँ पे जाओगे ना SBI क्लर्क, ये लिखा हुआ है यहाँ पे SBI क्लर्क मेन सेक्शनल में। ठीक है, ये है क्लर्क SBI क्लर्क मेन्स रीजनिंग 1, और ये फ्री रहता है, शायद नंबर 1 सारे फ्री रहते हैं। ठीक है, अगर आपको देखना है तो अब इसमें जाके आप उस पजल्स को अपने तरीके से करके, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो या किस तरीके से कर रहे हो या आपको मेरा तरीका जानना है, तो उसको ज़रूर ज़रूर आप उसको देख सकते हो। ठीक है, और चलो ठीक है, मैंने कौन से पजल किए थे, ये तो ठीक है, चलो ये तो छोड़ो। 7 पीपल वर एक्सपर्ट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, हैव फोर डिफरेंट सिटी। ठीक है ठीक है, नॉट 2% सेम सब्जेक्ट, नो 2% हैव टू गो सेम सिटी, 1% एक्सपर्ट वन सब्जेक्ट ऑन डिफरेंट मंडे। ठीक है, ये वाला करते हैं। ठीक है गाइस, जैसे ये पजल्स रहती हैं जिसमें इसमें तीन क्या बोलते हैं उसको, जैसे तीन चीज़ें हैं उसमें। एक तो ये हर एक अलग अलग दिन में जाता है, मतलब हर एवरी वीक वीक के हर एक एवरी डे में जाता है, मंडे से लेके संडे तक। और ABCDFG है, और ये अलग सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है, और ये डिफरेंट सिटी से बिलोंग करता है। ठीक है, या डिफरेंट हैव टू गो डिफरेंट सिटीज। तो इस तरीके से पजल्स को कैसे तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, बिना फंसे। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ आपको एक्सप्लेन करने का। और गाइज, मैंने ऐसे वीडियोस मेंस की वीडियोस में मैं नहीं बना रहा हूँ, मतलब मैंने नहीं बनाया हुआ है। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइज सब्सक्राइब करना चैनल को, प्लीज़। आप सब देखते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते, ठीक है, बट मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ यूजली, बट प्लीज़ गाइज अगर मैं इतना एफर्ट दिखा रहा तो आप प्लीज़ एक सब्सक्राइब बटन दबा के आप अपना मतलब आप मुझे हेल्प कर सकते हो इसके लिए। ठीक है, कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस और बनाऊं, और अगर हो सके तो प्लीज़ गाइज लाइक करना, कमेंट करना जितना हो सके, कि मुझे मुझे पता चले कि आप लोग किस तरीके से वीडियोस देखना है, किस तरीके से आपको कौन सी वीडियो से कोई हेल्प मिल रहा है, किस तरीके से वीडियो मुझे बनाना पड़ेगा आपके लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगा इन चीज़ों में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और अगर थोड़ा हैंडराइटिंग में कोशिश करूँगा कि मैं बड़ा बड़ा लिखूँ। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या बोला है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ठीक है, तो इनको ऐसा लंबा करके बना लो। ठीक है, इस तरीके से बना लो। ठीक है, जी हैज़ टू गो आफ्टर थर्सडे। ठीक है, तो जी जो है वो इनमें से कहीं पे भी जा सकता है। 1% बिटवीन द 1% हैज टू गो बिटवीन द पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन जियोग्राफी एंड द पर्सन एक्सपर्ट इन इंग्लिश। ठीक है, तो ये हो गया जियोग्राफी एंड इंग्लिश। मैं यूजली इतना बड़ा लिखता नहीं हूँ, बस आपको वीडियो में आ जाए तो इस हिसाब से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, जियोग्राफी और इंग्लिश। ठीक है, आई होप कि आपको दिख रहा हो। ठीक है, 1% को एक्सप्लेन जियोग्राफी और इंग्लिश। ठीक है, एटलीस्ट टू पीपल हैज टू गो बिटवीन जी और, एटलीस्ट टू हैज टू गो बिटवीन जी और बी। ओनली टू पीपल हैज टू गो सी एंड ई, ई हु इज एन एक्सपर्ट इन फिजिक्स। ओनली टू पीपल हैज टू गो बिटवीन सी एंड ई हु इज एन एक्सपर्ट इन फिजिक्स। 3% जी एंड डी, डी हु गोस हु हैज टू गो इमीडिएटली बिफोर। ओनली 3% जी और डी। ठीक है, डी हु हैज टू गो इमीडिएटली बिफोर
डी इमीडिएटली बिफोर गोवा, ठीक है ए हो गया गोवा। बी हु हैज टू गो टू पुणे गोस इमीडिएटली बिफोर द पर्सन हु, बी हु हैज टू गो टू पुणे गोस इमीडिएटली बिफोर एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री, ठीक है। टू पीपल मुंबई एंड न्यू दिल्ली, ठीक है। टू पीपल मुंबई एंड न्यू दिल्ली। सी गोस आफ्टर ई, ठीक है। सी गोस आफ्टर ई, तो इसमें क्या है ना, इसको अगर ऐसा सी गोस आफ्टर ई से लिखा है तो उसको काट के ऐसे लिख दो, सी गोज आफ्टर ई। एफ एक्सपर्ट मैथमेटिक्स गोज इमीडिएटली बिफोर मुंबई, ठीक है। एफ जो है जो मैथ्स है इमीडिएटली बिफोर मुंबई, और मैं ये बॉक्स इसलिए बना रहा हूँ कि वो इमीडिएटली आफ्टर या बिफोर वाला सीन है, ठीक है, कि मुझे कंफ्यूजन ना हो कि ये कैसे बैठाना है मुझे, ठीक है। जैसे अगर मैं बॉक्स बनाता हूँ मतलब मुझे बॉक्स का सीधे टेबल में फिट कर देना है, ठीक है। द पर्सन ऑफ पंजाब इज एन एक्सपर्ट इन हिस्ट्री, ठीक है। पंजाब इज एक्सपर्ट इन हिस्ट्री एंड गोज इमीडिएटली आफ्टर पर्सन एक्सपर्ट इन बायोलॉजी, बायोलॉजी, ठीक है। और कंफ्यूजन ना हो इसके लिए यहाँ पे लेते हैं सिटी, यहाँ पे लेते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। अब सबसे जो इजी जो मेरा बन रहा है वो बन रहा है ये वाला, ठीक है। अगर आपको दिख रहा हो ये जी इक्वल टू यू जी, हम ये तीन जगह पे बना सकते बैठा सकते हैं, तो ये जी का जो पॉसिबिलिटी होता है वो तीन हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से जी 1 2 3 डी, ठीक है। जी 1 2 3 डी, और जी जो है 1 2 3 डी, ठीक है। डी के नीचे जो है वो गोवा सिटी है ना, तो ये गोवा इधर लिखता हूँ, गोवा इधर गोवा इधर, तो ये भी हो गया ये भी हो गया, ठीक है। और जो जी और बी के बीच में ना दो लोग बैठते हैं या दो से ज्यादा, 1 2 नहीं हो सकता, 1 2 बी, ठीक है। 1 2 बी इधर हो सकता है, बी इधर छोड़ देते हैं, 1 2 बी कहीं भी हो सकता है, ठीक है छोड़ देते हैं। और जो बी और पुणे, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, इसमें भी लिखा हुआ है कि बी जो है वो है पुणे और केमिस्ट्री के, ठीक है। तो 1 2 बी नहीं हो सकता, तो बी हो गया इधर, और सिटी जो है पुणे बिल्कुल केमिस्ट्री के ऊपर, 1 2, ठीक है। तो एक और पॉसिबिलिटी बन जाएगी, ठीक है। 1 2 बी नहीं हो सकता, बी पुणे केमिस्ट्री, ठीक है। जो बी हो गया पुणे केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी काटो और ये भी हो गया, ठीक है। अब बात आती है ई 1 2, अब ये है ई 1 2 सी, ठीक है। ई 1 2 सी नहीं हो सकता, ई 1 2 सी फिजिक्स, ठीक है। ई 1 2 सी हो सकता है, ई 1 2 सी नहीं हो सकता, तो ये ई हो गया जो कि फिजिक्स पढ़ाता है 1 2 सी, ठीक है। ई फिजिक्स नहीं हो सकता, ई ई ई नहीं हो सकता, ई ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी भी कट गई, ये भी हो गया, ठीक है। अब ऐसे देखो, अब है पंजाब और हिस्ट्री और ऊपर बायो, ठीक है। चलो ये एफ मुंबई ना, मुंबई इधर हो सकता है, एफ इधर इधर नहीं हो सकता, जियोग्राफी और इंग्लिश इधर नहीं हो सकता ना, मुंबई 1 2 दिल्ली, हाँ ठीक है। मुंबई वाला देख लेते हैं ना, जैसे कि एफ ना, एफ अगर एफ इधर, ठीक है। एफ मैथ्स मुंबई हो सकता है, और मुंबई 1 2 दिल्ली हो सकता है, ठीक है। एफ एफ मैथ्स मुंबई 1 2 दिल्ली नहीं हो सकता, तो ये हो गया एफ मैथ्स
इधर हो गया मुंबई, और मुंबई 1-2 दिल्ली नहीं हो सकता, 1-2 दिल्ली, ठीक है। एफ मैथ्स नहीं, एफ मैथ्स मुंबई 1-2 दिल्ली हो सकता है, एफ मैथ्स मुंबई 1-2 दिल्ली नहीं हो सकता, एफ मैथ्स मुंबई 1-2 दिल्ली, ये भी गया और ये वाली पॉसिबिलिटी भी खत्म। अब बचता है जियो और इंग्लिश, ठीक है। अच्छा पंजाब बायो हिस्ट्री पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। बायो हिस्ट्री मतलब दो हमको खाली जगह चाहिए, ये दो हो सकता है यहाँ पे, या ये दो हो सकता है यहाँ, पंजाब हो सकता है, ठीक है, ये दो खाली जगह हो सकती है। और अगर पंजाब हिस्ट्री बायो हो सकता है, पंजाब हिस्ट्री नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये हो गया पंजाब हिस्ट्री बायो, पंजाब नहीं हो सकता, पंजाब हिस्ट्री बायो, ये भी गया, ठीक है। अब पता है जियो जियोग्राफी और इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे जियोग्राफी यहाँ पे इंग्लिश नहीं हो सकता, यहाँ पे जियोग्राफी यहाँ पे इंग्लिश हो सकता है, और ये तो ए बचा इधर, ठीक है, ये हो गया जियोग्राफी, ये हो गया इंग्लिश, और जगह बची दो, तो मुझे वही लगता है कि उल्टा पुल्टा होगा फिर, न्यू दिल्ली और लखनऊ बचा, और ज्योग्राफी और इंग्लिश, ठीक है। तो ये हो गया न्यू दिल्ली और लखनऊ, जो कि इसमें एरो बना देते हैं कि ये उल्टा फुल्टा हो सकता है, और ये हो सकता है ज्योग्राफी और इंग्लिश, ये भी उल्टा फुल्टा हो सकता है। तो ये हमारी पजल जो हो गई है वो हो गई है कंप्लीट। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, ठीक है। हाउ मेनी पीपल गोस पीपल हैज और हैव टू गो बिटवीन हुअर दिल्ली एंड बी, दिल्ली का है, दिल्ली ये बिल्ली बी है, ठीक है। तो कितना है आंसर, नन है, देखो कोई भी पर्सन बीच में नहीं बैठ रहा है, तो आंसर नन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जाते हैं, हु इज एन एक्सपर्ट इन केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री ये है, एक्सपर्ट कौन है, डी, और जहाँ आ रहा है तो उसमें क्या लिखा हुआ है, देखो आंसर में देखो, द पर्सन हु गोस टू दिल्ली, तो ये है दिल्ली, ये हो गया इसका सेकेंड आंसर। बी इज एन एक्सपर्ट, बी इज एन एक्सपर्ट इन विच, इसमें लिखा देखो जियो और केमिस्ट्री, बट हम श्योर नहीं है ना, हम श्योर नहीं है, क्योंकि इसमें हमको लास्ट में श्योर नहीं है कि जो भी ज्योग्राफी भी हो सकता है, इंग्लिश भी हो सकता है, तो आंसर जो हो गया वो हो गया कैन नॉट बी डिटरमाइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, सी इज एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश, श्योर नहीं है हम, क्योंकि ज्योग्राफी भी हो सकता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। द पर्सन हु हैज गोवा इज एन इंग्लिश एक्सपर्ट, गोवा इज एन इंग्लिश एक्सपर्ट, ये भी श्योर नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी हो सकता है, देखो एरो बनाया यहाँ पे, ये भी गलत हो गया। बी हैज टू गो बिफोर द पर्सन हु हैज लखनऊ, बी हैज टू गो बिफोर लखनऊ, बट लखनऊ यहाँ भी हो सकता है, तो आफ्टर भी हो सकता है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो सारे ऑप्शन गलत हो गए, इसलिए नॉन ऑफ दिस, ठीक है। हु हैज टू गो ऑन संडे, संडे जी पंजाब हिस्ट्री, क्या लिखा है, एक्सपर्ट इन हिस्ट्री, तो वो उसका आंसर हो गया, ठीक है गाइस। तो ये जो है ये पजल, ये ना क्वेश्चन नंबर 25 है, रीजनिंग का नंबर वन, और ये पजल अच्छा लेवल का था पजल, ठीक है। तो मैंने कोशिश करी है कि आपको दिखाने की, तो गाइस प्लीज मेरा एफर्ट, अगर आपको मेरा एफर्ट दिखता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ठीक है, और प्लीज कमेंट करना कि मुझे ऐसे वीडियो और बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। बाकी मैं अगली में अगला आपको एक और मेंस का पजल करके दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने कोशिश करी है, अगर इसमें कुछ भी गलती हो तो मुझे जरूर बताना, मैं अपने अगले वीडियो में इम्प्रूव करूंगा, ठीक है गाइस। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ये है एसबीआई क्लर्क मेंस रीजनिंग नंबर वन, ठीक है, इसका क्वेश्चन था वो, ठीक है। अगर आपने ये पहले आप जाके खुद ट्राई करना, अगर आपको समझ में ना आए तो मेरा तरीका जरूर ट्राई करना, ठीक है गाइस। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।